मंदसौर यश नगर में 9 साल के बच्चे को बिजली के खंभे के नीचे खेलना पड़ा महंगा। गिरी उसके ऊपर ट्यूबलाइट, बड़ा हादसा टला। मंदसौर में इन दिनों तेज हवा के कारण बारिश भी कुछ स्थानों पर हो रही है और जिस कारण से हरे भरे पेड़ एवं लगे बिजली के खंभे एवं अन्य उपकरण गिर रहे हैं। ऐसा ही मामला मंदसौर के यश नगर में सामने आया, जहाँ पर 9 साल का बच्चा खेल रहा था। इसी दौरान ट्यूबलाइट एवं लोहे की रॉड नीचे गिर गई और बच्चे के ऊपर गिर गई और बच्चे को चोट लग गई। गनीमत यह रही कि यहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई। क्षेत्र के लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए मांग की है कि सभी दूर बिजली के खंभों पर जो ट्यूबलाइट लग रही है उस पर लोहे की जालियां लगाना चाहिए, जिस कारण से इस तरह की घटना नहीं होगी। एवं मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में इन दिनों MPVV विभाग द्वारा कई घटिया क्वालिटी के उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होना आम बात हो चुकी है। MPVV विभाग में आजकल कमीशन का काम चल रहा है और कमीशन के कारण यह व्यक्ति घटिया माल लगाने में लगा हुआ है, जिस कारण से आम जनता को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। मनीष शर्मा जी, बताइए क्या घटना हुई यहाँ पर? मेरा दोस्त का बच्चा यहाँ खेल रहा था पोल के नीचे, तो ट्यूबलाइट गिरी उसके सिर पे और चोट आई है। और आज सवेरे मेरे को उसने खबर दी है कि ऐसी घटना घटित हुई है जी। क्या लापरवाही किसकी मानते हैं इसमें? यह लापरवाही तो MPVV की है कि लाइट लगाते हैं तो उसकी जाली लगाना प्रॉपर जरूरी है। क्या ट्यूबलाइट के साथ तो कुछ गिरा नीचे? ट्यूबलाइट तो पूरी आ गई नीचे क्लेम समेत। वो तो अच्छा रहा है कि ज़्यादा लगी नहीं बच्चे के, ज़्यादा लग जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? क्या नाम है बच्चे का जिसको लगी है? उसका है कृष्णा। क्या जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। क्या कौन सा क्षेत्र है ये? यशनगर फेज 3। ठीक है।